नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सितम की दाद देते हैं, दवा की कद्र करते हैं, ये कैसे लोग हैं जो बेवफा की कद्र करते हैं। क्या मेरी प्रेम कहानी नदिया ले बिछड़ा पानी, नदिया से बिछड़ा पानी। खुदाई रो रही है, तुम खुदा का नाम मत लेना, हमारी जान ले लो तुम, वफा का नाम मत लेना। अगर मेरी शादी हो जाती और उसके बाद आपको ये मालूम होता कि वो एक तवायफ का बेटा है तो क्या तलाक दिलवा देती? अगर हमारे बच्चे हो जाते तो क्या उन मासूमों का गला घोट देती? हिंदुस्तानी लड़की जब शादी करती है तो जिंदगी भर निभाती है। क्या जानू क्या दिल को बेकरारी, महफिल थी महफिल थी दीवानी थी तुम्हारी, चैनाए जब देखी ये सूरत प्यारी प्यारी। लेजेंड्स में हम बात कर रहे हैं 60s और 70s की ग्लैमरस हीरोइन मुमताज की, जिनकी कहानी बिल्कुल सिंड्रेला जैसी है। कहां तो एक जूनियर आर्टिस्ट, फिर स्टंट हीरोइन, उसके बाद सबसे बड़ी स्टार और फाइनली एक बिलियनेयर एनआरआई से शादी, है ना एक फेरी टेल। स्टंट फिल्मों के साथ साथ मुमताज मेरे सनम, सावन की घटा, हमराज और पत्थर के सनम जैसी सुपरहिट फिल्मों में कभी वैम्पिश तो कभी सेकंड लीड के रोल्स निभाते हुए आगे बढ़ती रही। फिर भी वी शांताराम की फिल्म बूंद जो बन गई मोती में जितेंद्र जैसे न्यू कमर उनके साथ काम करने के लिए हिचकिचा रहे थे। मोहब्बत के देवता के सिवा कोई देवता नहीं और कोई खुदा नहीं, खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत खुदा। उसे मालूम है हमारी सगाई हो चुकी? हाँ। फिर भी तुम पर डोरी डालती है? जानते हो ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं? रीता, किरण के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुन सकता। सुनना पड़ेगा, मुझे उससे नफरत है। उसने अपनी खूबसूरती और जवानी की नुमाइश करके तुम्हें फांसा है। आप तो कहती थी ना आप जादू टोना कुछ नहीं मानती, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्या ये जादू नहीं तो और क्या है? सारी हवेली माधवी के इशारों पर नाचती है, नौकर चाकर कुंवर जी माजी जो वो कहती है वही करती है। इस हवेली की तो बहुरानी आप है और हुक्म चलता है माधवी का। राम जाने कौन भैरव सिद्ध कर रखा है इस मुनीम की बेटी ने। मुझसे आंख मिलाते हुए शर्म नहीं आती? अब यहाँ क्या मुँह लेकर आए हो? ये बाहें उसी के गले में डालो जिसने तुम्हारे लिए 40 दिन का व्रत रखा था। किस्मत ने मुमताज का साथ तब दिया जब उन्हें दिलीप कुमार के ऑपोजिट राम और श्याम में रोल मिला। रही सही कसर पूरी कर दी ब्रह्मचारी और आदमी और इंसान ने। ब्रह्मचारी की मेकिंग के दौरान मुमताज और शमी कपूर में प्यार हो गया, लेकिन उस वक्त मुमताज शादी के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी ही कुछ उड़ती खबरें डायरेक्टर यश चोपड़ा को लेकर भी आम हुई जब आदमी और इंसान बन रही थी, लेकिन ये बात भी हवा में ही रह गई। जब राइजिंग स्टार राजेश खन्ना के साथ मुमताज की बंधन और दो रास्ते सुपरहिट हो गई, तब जितेंद्र के अलावा सभी हीरोज उनके साथ काम करने के लिए तड़पने लगे। मैं जानती हूँ जब तक दुख के दिन बदल नहीं जाते तुम्हारे मन में शादी का ख्याल तक नहीं आ सकता। परसों मेरा जन्मदिन है, तुम आओगे और सबके सामने कहोगे मैं तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी।
इसी दौरान संजीव कुमार के ऑपोजिट फिल्म खिलौना के लिए मुमताज को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। फिर तो देवानंद, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेंद्र कुमार और शशि कपूर जैसे टॉप हीरोज के साथ उनकी फिल्मों की लाइन लग गई। हालांकि शशि कपूर ने सच्चा झूठा में मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और सच्चा झूठा का डबल रोल राजेश खन्ना की झोली में आ गिरा। वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत चीज है। क्या कहते हैं? काम दे, प्यार करने वालों का भगवान। और मैंने आज से तुम्हें कुछ दिया ही नहीं। दिया था ना वो मूर्ति, भूल गए? मूर्ति मैंने कब? अपने शोरूम में। और कहा था हम सब चोर हैं, थोड़ा कली से रस चुराता है, बादल नदी से जल, और इंसान किसी का दिल चुराता है। अरे ये किसी चोर ने कहा होगा। सच्चा झूठा के अलावा राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी ने दुश्मन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी और प्रेम कहानी में भी जमकर धूम मचाई। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इस सुपरहिट जोड़ी की कुछ म्यूजिकल यादें हो जाए। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है। किसी को नजर नहीं आए, जल दरिया में डूब जाए, जल दरिया में डूब जाए। इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तो जल जाएगा। गोरा रंग पहले इतना गुमान कर, दो दिन में ढल जाएगा। बड़ी खूबसूरत शिकायत है, बड़ी खूबसूरत शिकायत है, मगर सोचिए क्या शरारत है, जवानों का दिल तड़पते रहते हैं। मुमताज जब अपने पीक पर थी तब उनकी मुलाकात एनआरआई बिजनेस टाइकून मयूर माधवानी से हुई। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी। राजेश नारायण वल्ड कमलेश नारायण, क्या कामनी बीबी से 14,000 गालियां पर ईयर और 2 लड़ाई हर हफ्ते करने पर आपको निकाह कबूल है? मुमताज की शादी के फैसले से सबसे ज्यादा निराशा हुई उनके फैंस को, क्योंकि उस वक्त उनकी आपकी कसम, रोटी और चोर मचाए शोर हाउसफुल चल रही थी।
शादी के बाद मुमताज लंदन चली गई, अपने लाखों फैंस का दिल तोड़कर। मुमताज और मयूर की दो बेटियां हैं, नताशा और तान्या। नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से हुई है, वाइल तान्या माधवानी मैरिड टू एन इटालियन मार्को सिलिया आल्सो टेक्स केयर ऑफ हर फादर मयूर माधवानीज बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब। मुमताज की कहानी उनके कुछ सीन्स के बगैर अधूरी लगेगी, तो आइए देखते हैं। रीता जी, एक बात कहूं? हाँ हाँ। जाने दीजिए। बोलिए ना। सुनिए, मेरा कुत्ता मोती है ना? उसके पीछे सारे गांव की कुत्तियां पड़ी हुई हैं, लेकिन वो किसी की तरफ नहीं देखता, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। और? एक प्राइवेट बात बोलूं? रूबी है ना, बड़ी खराब है, मेरे से ऐसे चिपक चिपक के डांस करती है कि मुझे कभी कभी डर लगता है, इसलिए मैं अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करके रात को सोता हूँ। अच्छा करते हैं, मुझे भी वो अच्छी नहीं लगती। एक काम की बात बोलूं? एक सच्ची बात? जो तुम समझ रही हो ना, वो मैं नहीं हूँ। क्या तेरी की अहम वक्त पर किसी ने पलटा खाया। अच्छा, तो आप क्या कह रहे थे? मैं साला भूल गया। भूल गए? इसे पी लीजिए, शायद याद आ जाए। अच्छा, आप क्यों नहीं पी रही? आप भी तो लीजिए ना। लीजिए। याद आ गया, मैं रंजीत नहीं, भोला हूँ। हाँ, असली रंजीत ने मुझे नकली रंजीत बनाया है, उसकी माँ बीमार है। मैं तो गांव से आया था अपनी बहन की शादी के लिए रुपया कमाने के लिए। सच? एक बात मैं भी बताऊँ, किसी से कहना नहीं, मैं रीता नहीं, पुलिस ऑफिसर लीना हूँ। कमिश्नर साहब ने रंजीत को पकड़वाने के लिए मुझे हीरो के खाल के मानदंड बनवा कर भेजा है, और वो जो दो है ना, मेरे आंटी और अंकल, वो भी झूठे हैं, पुलिस ऑफिसर। बुरा तो नहीं मानोगी? मैंने जब से तुम्हें देखा है ना, मेरी रातों की नींद उड़ गई, मां कसम। मैंने भी जब से तुम्हें देखा है ना, मेरी भी रातों की नींद उड़ गई है, मां कसम। hey, रुक जाओ। क्या है? इधर आओ। अरे जा यार, अपना और मेरा टाइम बर्बाद क्यों कर रहा है? यहाँ तो कड़की है, जाके दूसरा कोई बकरा पकड़। बकरे को लेकर हम क्या करेंगे छोकरे? संसार के धन को तो हम हाथ तक नहीं लगाते। हमारी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसीलिए लोग हमें महात्मा कहते हैं। आ बैठ, तुझे धर्मात्मा बना दे। हे महाराज जी, ये फांदेबाजी और ड्रामा हम भी बहुत कर चुके हैं, 17 घाट का पानी पी चुका हूँ, ज्यादा होशियारी नहीं है। कठोर इंसान, तेरा चेहरा जितना खूबसूरत है, दिल उतना ही काला। बैठ। अरे बैठता हूँ, डांट क्यों रहा? हाथ निकाल। हाँ? देख ले हाथ तो क्या, पांव भी देख ले, कुछ मिलने वाला नहीं है। जन्म देने वाले ने सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया है, 37 साली लिखी नहीं। वाह 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 वाह। थैंक मत यार। गुरुशनी से बचकर मंगल की तरफ जा रहा है। अब तू धनी बनेगा, बहुत जल्दी ऊपर जाएगा। सरकारी आदमी तो कब से ऊपर पहुंचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन लगता है थोड़ा सा टाइम बाकी है। पर एक ग्रह में घोर अंधेरा है, पर हट सकता है। बिजली के चमक के ही अंधेरे छट जाएंगे और तेरे जीवन में उजाला हो जाएगा। उजाला हो जाएगा क्या मतलब? उजाला तो हो गया, मुझे तो सब दिखाई देने लगा है। सुन, एक लड़की है। अच्छा? बड़ी सुंदर है, जवान की बड़बड़ी है, मगर दिल की भोली है। वो तुझे प्यार व्यार नहीं करती, तो उसे मना ले पटा ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। नाम क्या उसका? बादलों के रथ पर सवार होकर आकाश में कड़की धरती पर चमकी, नाम उसका बिजली रखा गया है। बिजली? छी, उससे कौन प्यार करेगा? काली कलूटी, बैंगन लूटी, लंबे दांत, मैं उसका क्या करूंगा? क्या कहा? और नहीं तो क्या महाराज, इतना सा कद, लंबी नाक, छोटा सर, बड़े कान, छोटा पांव, बड़े हाथ, उसका हाथ थाम कर मुझे मरना है क्या? मैं काली हूँ, मैं गुंडूटी हूँ, लग रहे मेरे दांत। और नहीं तो क्या? बोल बोल, क्या कमी है मुझ में? अरे शुक्र कर कि तुझे पसंद किया है मैंने, यहाँ तो क्या
आजू बाजू के 40 गांव में भी चिराग लेकर ढूंढे ना, और मुझे ऐसी मिल जाए तो सारी जिंदगी गुलामी लिखवा दूं। अरे जा जा। अरे ये गोरा रंग देखा ना, 10 साल दिन रात साबुन से घस कर नहाएगा ना तो भी ये गोरा रंग नहीं मिलेगा, समझा? आप ही इंसाफ कीजिए, इन्हें क्यों ला रहे हो बीच में? इन्हें बीच में क्यों ना लाऊं? इन्हें तो जज बनना है और मैं वकील बनूंगा। केस होगा उस लड़की का जिसे तूने धोखा दिया, और ये जो भी फैसला करेगी बच्चे तुझे मानना पड़ेगा। मुझे तो माफी रखिए, दो दोस्तों के बीच में मैं क्यों आऊं? क्यों साहब, आपको उस लड़की से हमदर्दी नहीं जिसे इसने धोखा दिया? हमदर्दी की वजह से जज नहीं बन सकती, ना इंसाफी कर बैठी तो आप ही शिकायत करेंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा। आप यहां रखिए और गौर से सुनिए, शायद आप तक उस लड़की के दिल के टूटने की आवाज आ जाए। तो जज साहब, इल्जाम यह है कि इसने एक लड़की से मोहब्बत की और इस मोहब्बत के इम्तिहान में पूरा नहीं उतरा। उनकी गली से कम तो नहीं है वतन की राह, मरने की बात आई तो हम उस तरफ चले। मगर वतन से वफादारी की ये शर्त कब निकल आई कि आदमी अपने प्यार से गद्दारी करे? क्या उस लड़की ने कभी तुझसे ये कहा कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा ना ले? अजी साहब, आप इस मुखालते में ना रहे कि आपने वतन की राह में कुर्बानी दी है। कुर्बानी वुर्बानी कुछ नहीं दी आपने, सीधी साधी जबान में आपने उस लड़की को धोखा दिया। उस लड़की का क्या हुआ राजेश साहब? उस लड़की का क्या अंजाम हुआ राजेश साहब? उसकी शादी होगी। क्या वो अपनी शादी से खुश है? पता नहीं, उसके खुश होने का सवाल ही पता नहीं होता साहब। हिंदुस्तानी लड़की जब प्यार करती है तो उसे जिंदगी भर निभाती है। नहीं वकील साहब, हिंदुस्तानी लड़की जब शादी करती है तो उसे जिंदगी भर निभाती है। लेकिन ये तो कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला साफ है राजेश साहब, आपको उस लड़की से सच बोलना चाहिए था। मुमकिन है किसी की बीवी बनकर जीने के बजाय आपकी बेवा बनकर जीना वो ज्यादा पसंद करती। सालों बाद 1990 में फिल्म आंधियां से उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की पर बात नहीं बन पाई। ईयर 2000 में मुमताज को कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा, पर बीइंग अ टफ फाइटर उन्होंने कैंसर को भी मात दे दी। कभी एक्स्ट्रा के तौर पर ₹37 पर डे कमाने वाली मुमताज एक दिन 370 करोड़ से भी ज्यादा नेटवर्थ वाली फैमिली की बहू बन गई। इजंट इट अमेजिंग? मुमताज की फैसिनेटिंग स्टोरी के साथ मैं यानी अदा लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और स्क्रीन लेजेंड के साथ। आप सभी को मेरा प्यार, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। रखिए अपना ख्याल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।